नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों, अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। दोस्तों, जयपुर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास पर बेरोजगारों का डेरा। लंबित भर्तियों को जल्दी पूरा कराने की मांग को लेकर पहुँचे बेरोजगार। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मुलाकात कर लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। दोस्तों, आज सचिन जी पायलट से मिलने के लिए विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, एलडीसी भर्ती, नरेगा की, पंचायती राज के 2013 को पूरी करवाने को लेकर अभ्यर्थी मिले, जिसमें सचिन जी पायलट ने पूर्ण आश्वासन के साथ आश्वासन दिया है कि आपकी भर्तियां जल्द ही स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आपकी सबसे बड़े यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास पर बेरोजगारों का डेरा। बेरोजगारों ने ज्ञापन देकर जताया अपना विरोध। उन्होंने कहा कि एलडीसी भर्ती 2013 को 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। 5 मार्च को उसका कैलेंडर निकला था, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण उस कैलेंडर के आधार पर भर्ती की कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं हुई, जिसके कारण अभ्यर्थी 6 साल से बहुत ज़्यादा परेशान में हैं। तो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पूरा आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी भर्ती चालू होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।